तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरी माँ कब कबार काम करने के लिए आते हैं, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा तेल थोड़ा रगड़ना पड़ता है। मेरी माँ है तो जो काम कर रहे थे, अब ये रेडी हो गया मशीन, हैंड मशीन है ये। ये मेरे पापा है, टच करने से ये चुने से मूंगफली जो की चिना बादाम है जो कि 70 रुपये होगा, 70 रुपये। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारिणी प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द तारिणी प्रसाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, हमारे दुकान है मेरे पापा का, तो इस दुकान में मेरे पापा और मेरे माँ जो काम कर रहे हैं। तो मेरे माँ कब कबार काम करने के लिए आते हैं, जो मिक्सर सेव है वो काम करने के लिए आते हैं मेरे पापा को हेल्पिंग करने के लिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं मेरे माँ जो पापा को हेल्प करेंगे और मिक्सर बनाएंगे, तो कैसे बनाता है, उसका प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में हम आज देखेंगे। तो ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ वीडियो में आगे बन रही है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मिक्सर है उसका प्रोसेस काम है अब शुरू हो गया है। तो ये है बेसन, तो इसको अभी कटिंग किया जाएगा, अभी हो रहा है। तो ये बड़े प्लेट के अंदर इसको डाला जाएगा। टोटल 10 पैकेट लाया है हम। तो इसको डालने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा वेला कलर 2 चम्मच, लगभग 2 चम्मच ही डाला जाएगा। इसका कलर पे हम डिपेंड करेंगे, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ये कलरिंग दिखेगा। तो इसे डालने से ये बहुत कलर और अच्छा दिखता है। और उसके बाद थोड़ा नमक डालना चाहिए ये स्वाद के अनुसार। उसके बाद थोड़ा तेल डालेंगे। तो जब मिला देते हैं, इसको थोड़ा रगड़ना पड़ता है, जिससे जो सेव बनता है ना वो खाने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है और ये सॉफ्ट रहता है खाने के लिए। इसको लगभग 10 या 15 मिनट तक ऐसे करना चाहिए। अब यहाँ पे पानी मिलाया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं आप, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मेरी माँ है, तो जो काम कर रहे थे मेरी माँ ही कर रहे थे। तो आप लोग को मेरे माँ आप दिखाएंगे, ये मेरी माँ दुकान आते हैं और काम करके जाते हैं। कब कभार ये जो मिक्सर होता है, सेव होता है, कभी कुछ आइटम होता है, तो मेरे पापा को थोड़ा सा हेल्प करके मेरे माँ दुकान आते हैं, काम खत्म करके घर जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है सेव का मशीन है, यहाँ जो ये हैंड मशीन है, थोड़े अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, अब जो बेसन है इसके अंदर डाला गया है और इसके ऊपर ये लगेगा, देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे फिट होगा, तो इसको थोड़ा घुमाया जाता है जो कि अच्छे से फिट हो जाता है। अब ये रेडी हो गया मशीन, हैंड मशीन है ये, अब इसको घुमाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी गैस चूल्हा रेडी होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे अब गैस चूल्हा रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, सेव पड़ेगा। अब इसको थोड़ा ऊपर नीचे किया जाएगा, जिससे ये अच्छे से हो सकेगा, देख सकते हैं आप लोग।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जो काम कर रहे हैं, ये मेरे पापा है, तो हमारा ये दुकान है, तो मेरे पापा ये काम करते हैं। इसको छोटे छोटे गोल गोल करते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पे प्रेस करके डालते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया है सेव, तो ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो काम करता हूँ इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ, तो ये बहुत ही कम स्पेस में ज़्यादा रहेगा। तो देख सकते हैं इसको अभी मैं छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ, टच करने से ये चूने से थोड़ा प्रेस करने से ये छोटे छोटे हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखने को, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये है मूंगफली जो कि चिना बादाम है, अब ये तेल में डाला गया है, ये जब होगा तो इसको सेव के ऊपर डाला जाएगा, ये मिक्सर अप होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो बेसन है अभी इससे अब बूंदी होगा, यहाँ बूंदी जो लड्डू बूंदी का लड्डू है वो नहीं होगा, लेकिन ये जो इसका छोटा छोटा जो दाना है इसको मिक्सर में डाला जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा मज़ा लग रहा है, तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जो बूंदी लड्डू बना जाता है इसका ये एक छोटा प्रोसेस है, तो ऐसे ही कढ़ाई में डाला जाता है बेसन को, और उसके बाद ये उसको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है जो कि अच्छे से ये हो सकेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा और मज़ा आ रहा है, आगे आगे बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है छोटे छोटे दाना, जब इसको शुगर में मिला जाएगा इसको हम बूंदी बोलते हैं। तो दोस्तों ये है चिवड़ा जिसको हम चिवड़ा भी बोलते हैं, अब ये गर्म तेल में डाला जा रहा है, अब इसको निकला जाएगा, ये जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये है कड़ी का पत्ता, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब मिक्सिंग होगा, ये है ब्लैक साल्ट, अब मिर्ची का पाउडर डाला जा रहा है यहाँ पे, अब थोड़ा चिकन मसाला जो मसाला पाउडर है, इसके बाद ये जो है साइड में देख सकते हैं अब ये भी डाला जाएगा, तो ये अच्छे से मिक्सिंग होगा। फ्रेंड्स अभी थोड़ा टेस्ट करूंगा कैसे लगता है देखूंगा, तो देखिए थोड़ा टेस्ट करूंगा इसको, बहुत ही अच्छा है, इसका पैकेट होगा
हाफ किलो का जो कि 70 रुपये होगा, 70 रुपये। तो बाली में कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरे दुकान में आकर ले सकते हैं। तो अभी इसका पैकिंग हो रहा है, इसका हाफ किलो का पैकेट आता है जो कि 70 रुपये। अभी इसका वजन होगा यहाँ पे, तो दोस्तों अब ये मिक्सर पैकिंग हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे दुकान का फ्रंट है, मेरे माँ अब ये जो पैकेट को अच्छे से रख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर आऊँगा, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।